भाई साहब आपको एक कमाल की बात बताऊं मैं। ये जो संजय सिंह है ना, जो गिरफ्तार हो गए ना, हाँ, ईडी जिनको पकड़ के ले गई है, अंदर डाल दिया है, यही संजय सिंह भाई साहब एक नंबर के टोपा हैं। क्या है? एक नंबर के टोपा आदमी है। और हमारे मोदी जी बहुत बढ़िया आदमी है। हाँ, अब मोदी जी को देखो, है ना, कभी अभिसार शर्मा, कभी न्यूज क्लिक, तो कभी ये, तो कभी फलाना, तो कभी मनीष सिसोदिया, तो कभी संजय सिंह, है ना। अब पीछे से ईडी वीडी लगवा के सबको उठवा करके अंदर करवा देते हैं। भाई साहब उनको क्रेडिट लेने का जो है बिल्कुल शौक नहीं है। हाँ, कभी देखा आपने कि उनको क्रेडिट की, भाई हमने ये करवाया है, वो क्रेडिट नहीं लेते हैं। लेकिन संजय सिंह को टोपा हम इसलिए बोल रहे हैं, है? टोपा ना होते तो भाई साहब 10-20-25 विधायक ले करके, है, कहीं किसी रिसोर्ट में जा करके, किसी होटल में जाके छिप जाते, वहां से मोदी जी को फोन कर देते कि आम आदमी पार्टी से, केजरीवाल से इतने विधायक चुरा लाया हूं मैं, अब मोदी जी क्या करना है आगे के, मोदी जी खुद ही डिसाइड कर लेते। थोड़ा बहुत इधर उधर जुगाड़ बना करके, है, तुमको वहां दिल्ली में केजरीवाल को हटवा के मुख्यमंत्री बनवा देते वो, है, और आज तुम टोपा ना होते तो अंदर थोड़ी होते। अब देखो, है, उधर अपना शिंदे साहब महाराष्ट्र में, उन्होंने क्या किया, कितनी होशियारी, वो टोपा थोड़ी थे, है, इधर उधर से विधायक विधायक लेके गए, उधर से फोन कर दिया, अच्छा देवेंद्र फडणवीस ये वो, अपना करके अपना सरकार बनवा दी। भाई साहब मुख्यमंत्री बने बैठे हुए, और संजय सिंह थे टोपा, चिल्लाते थे, है, अडानी और ये वो फलाना ढिमाका, मोदी जी और जवाब दो, संसद के बाहर भी चिल्ला रहे हैं, अंदर भी चिल्ला रहे हैं, वो बेल में घुसे जा रहे हैं, है ना। तो भाई साहब मोदी जी कितना बर्दाश्त करेंगे, है? भाई कुछ अच्छा करना चाहिए था, अजीत पवार से सीखना चाहिए था। देखो मोदी जी ने कितना बोला कि ये एनसीपी नेचुरल करप्ट पार्टी है, और इन्होंने 70,000 करोड़ का घोटाला किया, ये अजीत पवार, ये जेल जाइंग, चक्की पीसिंग, ये सब बोलते थे उन्हीं के आदमी देवेंद्र फडणवीस और ये, है? अब वो देखो होशियार आदमी थे, तुरंत गए, मोदी जी की जय हो मोदी जी, आज देखो डिप्टी सीएम बने बैठे हुए हैं, और संजय सिंह आप टोपा हो, आप जेल के अंदर बैठे हुए हो, इतना समझ में नहीं आता है। वहां संसद के अंदर जाके हंगामा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो बेल में घुसे जा रहे हैं, अडानी मोदी, हाँ भाई भाई, पता नहीं कौन कौन से नारे लगा रहे थे, हाँ, संसद के अंदर उठा के अंदर नहीं किए जाओगे भाई, संसद के अंदर कुछ भी अंट संट बकना था, हम तो कह रहे हैं कि गाली गलौज भी देनी थी ना, तो एक बार बीजेपी ज्वाइन कर लेते, फिर कुछ भी अंट संट बकते, गाली बक देते, ए मुल्ला, ए आतंकवादी, ए बैठ, ये चल, ए तेरे को हम बराबर हिसाब करेगा, है ना। देखा तो रमेश बिधूड़ी जैसा भाई बीजेपी में है, तो आराम से अंदर बैठ करके देशद्रोही, आतंकवादी, मुल्ला, कठमुल्ला, कट अंट संट जो मन में आया भाई साहब बोल दिया, कुछ हुआ रमेश बिधूड़ी का? और संजय सिंह ये तो टोपा आदमी, और टोपा आदमी तुरंत अंदर हो गया। नारायण राणे को देखो, है, वो भी पार्लियामेंट में है, औकात में रहने का, औकात में नहीं, मैं तेरी औकात दिखाएगा, ये सांसद बैठ जा, औकात दिखाएंगे, बैठ जा, इतना सब कुछ बोला है। संजय सिंह से ज्यादा बोलते हैं लोग, गाली गलौज, ऊट पटांग, अपशब्द, लेकिन किसी का कुछ हुआ तो कैसे नारायण राणे ने टाइम से बीजेपी ज्वाइन कर लिया था? एक नंबर का देखो घोटालेबाज, अपना वो असम के हेमंत बिस्वा शर्मा, एक नंबर का घोटालेबाज। हम नहीं कह रहे हैं, ये मोदी जी लोग खुद कहते थे घोटालेबाज है, फलाने घोटाले में इसको उठा के अंदर करेंगे, लेकिन वो देखो टोपा नहीं था, पर सब तुरंत आया, मोदी जी की जय हो मोदी जी, आज मुख्यमंत्री बना बैठा हुआ है। और संजय सिंह तुम टोपा आदमी हो तो अंदर जाओगे, कितने टोपा, आज देखो तिहाड़ी, उसके ऊपर कितना झूठी खबर अबर चलवाया था, और कर्नाटक से उसके ऊपर FIR वगैरह हुआ, लेकिन गया जेल, कुछ हुआ अंदर, नहीं हुआ, क्यों? जय जय मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, उसका कुछ नहीं हुआ। देखो FIR, FIR होने के बाद कुछ नहीं हुआ। इधर अभिसार शर्मा के देखो, नहीं मैं बोलता रहूंगा, मैं सच की आवाज उठाऊंगा, मैं सवाल पूछता रहूंगा, पूछो सवाल, है, उठा करके लैपटॉप भी अंदर, मोबाइल भी अंदर, सुबह से शाम तक पूछताछ भी अंदर, है ना, और बाकी सब साथ के लोग अंदर, है, ये जितने टोपा लोग हैं ये सब अंदर जाएंगे, और जितने समझदार लोग हैं, है ना, बस वही लोग अब टिकेंगे, बाकी टोपा लोग चलो पैकअप। अब संजय सिंह देखना गुरु, जमानत, ये केजरीवाल, हाँ,
ये इधर रोएंगे, जैसे अपने सिसोदिया जी अंदर हैं और वो फलाने जैन साहब अंदर थे आज तक, तो अब संजय सिंह है समय रहते हुए समझ में नहीं आया, अकल नहीं आई कि टाइम से बीजेपी ज्वाइन कर लेते, अब भुगतो।